तुम इधर आगे बैठे हो, गाड़ी में जाओ। आप देख रहे हैं डीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ है, जहां पर की सोल दाने की फैक्ट्री में आग लगी है और हड़कंप मचा हुआ है। मौके से हमसे जुड़े हुए हैं सैयद शकील, हमारे साथी पत्रकार साथी। जी शकील जी, क्या जानकारी रखते हैं आप इस फैक्ट्री में लगी आग के बारे में? कब कैसे आग लगी और उसमें कितना नुकसान हुआ है? देखिए, नुकसान की बात की जाए तो पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। लगभग 4 से 5 के बीच में आग लगी है और 7:30 बजे तक आग पर काबू पाया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन ये जो फैक्ट्री है, ये शोल का दाने बनाने की फैक्ट्री है और आवासीय क्षेत्र में ये फैक्ट्री चल रही थी काफी समय से। तो जैसे फैक्ट्री में आग लगी, कई अंदर धमाके हुए, धमाकों की आवाज सुनकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। और कहा यह भी गया कि फैक्ट्री के अंदर कई गैस सिलेंडर हैं, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अपने घरों को लोग छोड़कर दूर बाहर खुले मैदान में खड़े हो गए और काफी देर तक एम्बुलेंस पुलिस और फायर ब्रिगेड का इंतजार करते रहे, क्योंकि जो फैक्ट्री के अंदर ही मजदूर रहा करते थे। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री चल रही थी, कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। जी। अभी हमारी आपके द्वारा ही जो फैक्ट्री मालिक हैं, बबलू कुमार हैं, कौन है, क्या नाम है उनका, उनसे बात की? बबलू अग्रवाल नाम इनका बताया जा रहा है, शंकर पुलिया के आसपास के रहने वाले हैं। यहाँ लंबे समय से फैक्ट्री चला रहे हैं आवासीय क्षेत्र में, और इससे पहले भी एक बार इनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तभी पूरी तरह से एक बड़ा हादसा हुआ था, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो आग है, ये संदिग्ध मान रहे हैं लोग इस पूरी आग को, क्योंकि अंदर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि अंदर कबाड़ा रखा हुआ था, और नुकसान का अनुमान उन्होंने नहीं बताया। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री बड़ी है, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है, तो नुकसान तो खैर बड़ा होगा इसमें। और कई बार ये भी कहा गया इनके द्वारा कि फैक्ट्री हम बेच के जाएंगे, यहाँ से सेल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आग है, इसे यहाँ क्षेत्रीय निवासी संदिग्ध मान रहे हैं। अच्छा, संदिग्ध से तात्पर्य मतलब क्या आप लगाएंगे कि क्या वे सोच रहे हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, कि आग किसी बाहरी तत्व ने लगाई है या अंदर के ही तत्व ने लगवाई है? क्या कोई बीमे का इसमें क्लेम का आपको लग रहा है, या फिर कोई इसमें जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने लगाई है, क्या इसमें लग रहा है? देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्षेत्रीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ गरीब तबका है, सभी शरीफ लोग हैं और काफी लंबे समय से ये फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। जी। और लेकिन ये जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, 10,000-20,000 रुपए का नुकसान हुआ है और कबाड़ा था, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और मतलब सामने आकर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, मतलब आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दे रहे उनका हैं। उनका बयान ही इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में जिस तरह से आग लगी है, विजुअल्स आप देख सकते हैं कि कितने भयभीत विजुअल्स हैं, लोगों की चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन इसके बाद भी फैक्ट्री मालिक का ये कहना कि फैक्ट्री में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवालिय निशान खड़ा करता है इन सारी घटनाओं को लेकर। कॉलोनी कौन सी है ये? ये पुलक विहार कॉलोनी है। पुलक विहार कॉलोनी है, ये थाना जगदीशपुरा आगरा की कॉलोनी है, और यहाँ पर एक फैक्ट्री, सोल दाने की फैक्ट्री। सोल दाने से तात्पर्य थोड़ा सा और बता दीजिए आप। ये जूते का सोल होता है, उसकी प्लास्टिक के दाना होता है, वो दाना यहाँ बनाया जाता है, उस दाने का सोल बनता है, उस चीज की फैक्ट्री है। जी, जो दाना नीचे लगता है जिससे फिसले नहीं सोल, उस तरह का ये कारखाना है, उस आइटम का कारखाना है ये। उसमें आग लगी आज सुबह 4 बजे से 5 बजे के मध्य ये आग लगी, और आग के दौरान
कुछ धमाके भी हुए हैं और उन धमाकों से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई, लोगों की जान पर बनाई, वे घबरा गए। हालांकि जान की इसमें कोई क्षति नहीं हुई है, माल की क्षति हुई है, पूरी फैक्ट्री स्वाहा हो गई है और आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया है। फैक्ट्री मालिक अभी स्पष्ट रूप से कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आग लगने का कारण क्या रहा है, लेकिन ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है, इसलिए इस अग्निकांड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।